तो देखिए दोस्तों, ये वास मोटर है, ये पूरा जल चुका था लेकिन मैंने इसको वाइंडिंग किया, उसके बाद से आपको चालू करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो वाइट वाला है ये मेन है, और ये जो दो वायर है ये कॉमन है। तो उसमें से कॉमन में से आप उल्टा और सीधा दोनों वायर में से देखिए, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, दोनों साइड ये चल रहा है। तो आप जैसे सीधा चले वैसे ही इसको यूज कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिकल लतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों, एक मेरे पास वाशिंग मशीन आया था, तो उसका जो ये वाश मोटर है ना, ये जल गया है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर वाशिंग मशीन का इस तरीके का मोटर जल जाए तो आप शॉप पे ना जाके इजीली तरीके से कैसे अपने घर पे उसको वाइंडिंग कर सके, इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। बस आप वायर को चेक करें और वायर को काउंटिंग करें, उसके बाद से शॉप पे जाए, उसके बाद से आप घर पे भी इसको बांध सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉयल है ये कहाँ पे जला है, देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे ये जल गया है, अंदर में स्पार्क भी हुआ है, तो वायर कट भी गया है, गल भी गया है। स्पार्क होता है तो टूटता है तो गल जाता है ना, उस टाइप का अंदर में दिखा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक मेरे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे वीडियो में। तो आपका जो तार का गेज होगा दोस्तों, ये नीचे भी एक ही, मतलब एक ही नंबर का होगा, और बाहर का भी एक ही नंबर का होगा, और अंदर का भी एक ही नंबर का होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट वायर नहीं लगाया जाता है। वाशिंग मशीन है जो एक ही वायर से ये वायरिंग किया जाता है। और अंदर का भी आप कोयल को काट लेंगे तो, या बाहर का भी कोयल को काट के काउंटिंग करके और निकालेंगे तो सेम, दोनों अंदर और बाहर दोनों में भी एक ही, मतलब वायर लगा रहता है, और जितना अंदर में लगा रहता है काउंटिंग वायर का, उतना बाहर में भी लगा रहता है। तो इसलिए आप ये मत करिए कि आपको अंदर में भी काट के चेक करना है और बाहर का भी काट के चेक करना है। आप कोई भी कोयल को काट लें, दो कोयल को, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, उसके हिसाब से उस वायर को काउंटिंग कर लीजिए और कितना mm का है वो चेक कर लीजिए, उसके बाद से आप सारे वायर को बांध सकते हैं। किसी किसी में लच्छे वाला होता है इस टाइप का, और किसी किसी में ऐसे गोल टाइप का होता है। तो देखिए, मैं अब इससे जो ये जो कोयल है, अब इसको मैं काटने जा रहा हूँ, काट के फिर आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद से इसका मेजरमेंट करेंगे हम टोटल। तो देखिए, मैंने दोस्तों ये काट दिया, देखिए, और दो वायर निकाल लिया हूँ, और एक छोटा वाला साइज का और एक बड़ा वाला साइज का। देखिए, ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। तो दोनों का हम क्या करेंगे कि इसका वायर का चेक करेंगे कि कितने mm का है, उसके बाद से इसका काउंटिंग करेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं अब इससे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका मेजरमेंट पूरा कर चुका हूँ। तो देखिए, ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। तो स्टार्टिंग में भी 120 है, और छोटा वाला कोयल और बड़ा वाला 210 है, और छोटा वाला 120 है। तो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में वही है, और इसका जो मोटाई है 1.25 है, और इसका जो गलाई है ये 2.6 है। ये देखिए, इसका ये जो, इसको गोलाई बोलते हैं, और इसका ये जो है इसको मोटाई बोलते हैं, देख रहे हैं, इसको हम मोटाई बोलेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसका जो मोटाई है 1.5 इंची है, और इसका लंबाई है, गोलाई है वो 2.6 है, और ये जो कोयल है, जो दोनों कोयल देख रहे हैं, ये मैंने 500 ग्राम लिया था, मतलब आधा kg गाँव के भाषा में। तो उसमें से आपका ये दोनों कोयल पूरा हो जाएगा, और इस दोनों तार का नंबर है 28 नंबर का, इसमें तार लगता है दोस्तों, आपको स्टार्टिंग वाला में भी और रनिंग वाला में भी, दोनों तरफ आपका इसमें 28 नंबर का तार लगेगा। अगर यहीं पे दोस्तों, अगर आपका स्पिन मोटर रहता तो स्टार्टिंग में अलग लगता और रनिंग में अलग लगता। तो दोस्तों, वायरिंग, इसका जो वाइंडिंग होता है वो करने से पहले सबसे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, एक ये बड़ा वाला है, और इसके बाद से दो छोटा है, देखिए, और उसके बाद से बड़ा है, उसके बाद से दो छोटा है, उसके बाद से बड़ा है, इसी तरीके से चारों तरफ है। तो दोस्तों, ये जो क्या होता है कि इसी के अंदर जो छोटा वाला अपना कोयल होता है वो वाला हम डालते हैं, उसके बाद से बड़ा वाला कोयल छोटे वाले में डालते हैं, और जितना भी ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा है उसमें हम छोटा वाला कोयल डालेंगे अंदर की तरफ, ठीक है दोस्तों।
तो अब मैं देखिए ये यहाँ पे मैं कॉइल ऑलरेडी बना लिया हूँ इसको, देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये छोटा वाला है, इसको हम पिच बोलते हैं, चार पिच का, ये चार पिच का है और मतलब छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। तो देखिए मैं अभी इसको लगाने जा रहा हूँ, तो इसको आराम आराम से लगाइएगा ताकि वायर की, वायर का जो पेंट होता है ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, पेंट होता है, वो छोड़े नहीं, छोड़े ना, अगर छोड़ेगा तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगा। तो इस तरीके से इसको फिक्स कर लीजिए दोस्तों, देखिए इस तरीके से डाल के इसको, ये जो वायर होता है इसको इस साइड से निकालें ताकि ये जो इसका आउट और इन होता है वो प्रॉपर वाइज में इसका सही रहे। तो इस तरीके से करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर एक और कॉइल आएगा, तो यहाँ पे पेपर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों देखिए ये वायर निकल गया, यहाँ से इसका इन होता है और वहाँ से आउट होता है। तो इसी तरीके से सारे वायर को हम लगाएंगे, तो ये जो वायर है इसको ऐसे रखेंगे, उसके बाद से जैसे कि आप ऐसे लूप वाइज में घूम रहे हैं ना घड़ी की तरह, तो उसी तरीके से इस वायर को हम लगाएंगे। तो देखिए अब बड़े वाले वायर को हम लगा के फिर आपको दिखा रहे हैं, ये नहीं कि आप इसको कैसे भी करके डाल देंगे, ये देखिए ऐसे लूप हो रहा है, तो इस तरीके से इसको पकड़ेंगे हम, इसको लूप वाइज वगैरह में भी, राउंड वगैरह जैसे घड़ी घूम रहा है उसी तरीके से, देखिए बेंड नहीं हुआ ना, जैसे इन हुआ उसी तरीके से घूम घूम के ये आपका वाइट भी मतलब आउट भी होगा। तो इस तरीके से इसको लगाते हैं, इसको आराम आराम से आप इसको भी लगा लीजिए। उसके बाद से जितना आपका कोयल होता है दोस्तों इसी तरीके से वो लगेगा, बड़ा वाला में जो छोटा वाला है उसमें बड़ा वाला डालेंगे और जो थोड़ा गहरा है उसमें छोटा वाला डालेंगे। तो देखिए ये मैंने डाल दिया, उसके ऊपर से इसका स्लीव भी लगा दिया, देख रहे हैं, देखिए कितना आराम से ये बैठा है सारा वायर, देख रहे हैं। ये अंदर वाला है, छोटा वाला वायर का इन हुआ है और यहाँ से बड़ा वाला वायर से आउट निकला है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका इन जो होता है, देखिए ये इन गया है, ऐसे लूप वाइज में गया है, फिर इधर से इधर मुड़ गया है, फिर उधर से इधर बाहर निकल गया है, तो ये बात आप ध्यान में दीजिएगा। तो सारे कोयल दोस्तों ऐसे ही डालेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कोयल डालने के बाद आपको दिखा रहा हूँ, अगर ऐसे एक एक करके डालूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो देखिए मैं आपको डालने के बाद फिर दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मैंने सारे कोयल को डाल भी दिया और इसका जो कनेक्शन है दोस्तों वो भी कनेक्शन भी इसका कर दिया, फिर आपको कनेक्शन इसको समझाऊंगा, इसका जो कनेक्शन होता है दोस्तों कैसे करें ईजिली तरीके से। तो ये देखिए ये इन वाला है, तो ये जो इन वाला है दोस्तों देख रहे हैं, ये जो छोटा वाला वायर का कोयल का जो वायर है, तो इसका एक इन वाला को ये इधर से इन होगा और इधर से आउट होगा, तो जो आउट वाला है दोस्तों इसको हम फिर वो बड़ा वाला आउट वाले कोयल पे हम लगाएंगे। देखिए जैसे कि ये आउट वाला वायर है, पहले वाला कोयल का आउट वायर इस वाले सेकेंड वाले पे आएगा और देख रहे हैं इस तरीके से इसको कनेक्शन करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये आउट वाला वायर है और दूसरा वाला कोयल का आउट वाला ये वाला वायर है, तो ऐसे ही इसका कनेक्शन करते हैं। देखिए ये इन वाला है छोटा वाला कोयल का और इसमें भी ये छोटा वाला कोयल का इन वाला है, तो इस तरीके से इसको हम ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर स्लीव चढ़ा के इसको अच्छे से ड्रेसिंग करके फिर हम इसको बांध देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ भी ये भी आउट है और ये भी आउट वाला है और ये भी आउट वाला है, तो इसका भी मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों करते हैं जो छोटा वाला वायर होता है, देखिए यहाँ पे मैं छोटा वाला वायर का और यहाँ पे भी छोटा वाला वायर का, देखिए दोनों छोटा वाला वायर का निकल गया। तो इसी तरीके से इसका कनेक्शन होता है, इसमें कनेक्शन करने में उतना दिक्कत नहीं होता है अगर आज आप अच्छे से समझे तो। जो छोटा वाला कोयल होता है वो दूसरे वाले कोयल में छोटे वाले में जाके जोड़ देते हैं, फिर वो जो बाहर वाला कोयल जो बड़ा वाला कोयल का वायर निकलता है आउट वाला, वो दूसरे वाले बड़े वाले वायर पे इसको ड्रेसिंग कर देते हैं। तो इसी तरीके से इसका कनेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर और कोयल डालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पे पेपर डालेंगे ताकि दोनों कोयल आपस में सटे ना, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, इसके वजह से हम इसमें पेपर डालेंगे ताकि एक दूसरे से ये जो कोयल होता है वो टच ना हो। तो
चलिए अब कोयल डाल को आपको पेपर डाल के कोयल डालने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों जैसे मैंने स्टार्टिंग में कोयल डाला ना, आपको डाल के दिखाया कि छोटा वाला कोयल किस में डालना है और बड़ा वाला कोयल किस में डालना है। तो दोस्तों इसी तरीके से इसमें भी कोयल डालना है। तो देखिए मैं आपको कोयल डालने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने कोयल डाल दिया, देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसका अच्छा से प्रॉपर वाइज में मैं फिक्स भी किया हूँ। अगर आपको एक एक करके दिखाऊंगा तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट के लिए आपको फिक्स कर कर के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। तो देखिए कितना लेयर बाय लेयर ये आया है, देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी। ये अंदर वाला है और ये बाहर वाला है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर से हम देखिए पेपर डाल दिए हैं ताकि एक दूसरे से ये टच ना हो कोयल। अगर टच होगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत आ सकता है, इसके वजह से आप इसके अंदर लेयर वाई करके आप इसके अंदर पेपर डाल दीजिए ताकि चट एक दूसरे से टच ना हो। तो उसके बाद से ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब ये जो है इधर भी हम डालेंगे, इस साइड भी, देख रहे हैं पीछे का जैसे हमने डाला है वैसे ही इसका आगे का भी डालेंगे ताकि एक दूसरे से ये जो वायर होता है टच ना हो। इसलिए इसके अंदर पेपर दोस्तों डालना ज़रूरी है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि अब अपना बच गया इसका जो वायरिंग था, जैसे हम पहले वाले में अंदर वाले में किए उसी तरीके से दोस्तों इसके दूसरे वाले में वायरिंग हम करेंगे। तो देखिए मैं वायरिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इजीली तरीके से जैसे पहले आप किए उसी तरीके से आप इस वाले का भी कर देंगे। तो देखिए मैंने पीछे का ये अच्छे से धागे से हम ड्रेसिंग करके फिक्स कर दिए हैं। उसके बाद से जैसे मैं नीचे वाले में कनेक्शन किया वैसे ही इसका ऊपर वाले में कनेक्शन कर दिया हूँ। तो ये देखिए ये अंदर वाला है, तो अंदर से ये देखिए जैसे जैसे मैं बताया था आपको अंदर वाला इनका और आउट बड़ा वाला का, उसमें इसी तरीके से इसका कनेक्शन कर दिया हूँ। तो ये देखिए दोनों बाहर वाला वायर है और ये दोनों अंदर वाला वायर है। तो दोस्तों आपको इसका कनेक्शन करके आपको बताता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे होता है तो अब हमको इजीली आपको बताएंगे। तो देखिए जो बाहर वाला अंदर वाला कोयल का है, एक इसका मेल ले लीजिए और एक बाहर वाला कोयल का मेल ले लीजिए या एक अंदर वाला कोयल का मेल ले लीजिए, तो आप कोई भी कनेक्ट करके आप ये कर सकते हैं। तो लेकिन मैं एक बाहर वाला ले रहा हूँ मेन, और एक स्टार्टिंग वाला और एक अंदर वाला ले रहा हूँ मेन। तो ये देखिए ये कॉमन हो गया, उसके बाद से एक रनिंग हो गया ये और एक स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे इस तरीके से इसको चेक करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि इसका कनेक्शन कैसे करें, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से इसका दोस्तों कनेक्शन होता है। तो अब मैं इसमें वायर डाल के फिर आपको दिखा रहा हूँ, ओके। तो देखिए मैंने इसका वायर डाल दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये कॉमन है, अंदर वाला स्टार्टिंग वाला है और बाहर वाला स्टार्टिंग वाला को ज्वाइंट करके मैंने कॉइन कॉमन बनाया है। तो ये आपका वाइट वाला कॉमन है और येलो वाला और रेड वाला स्टार्टिंग है और रनिंग है। तो चलिए आपको फिक्स करके फिर चालू करके आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको टाइट कर दिया हूँ। आपको टाइट करते टाइम पे वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फिक्स करके आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए वाइट वाला अपना मेन है, कॉमन है, और ये देखिए रेड वाले पे येलो वाले पे टच किया, रेड वाले पे टच कर रहा हूँ। देखिए तो आप उल्टा भी घूम रहा है और सीधा भी घूम रहा है, देख रहे हैं। तो दोस्तों देखा है आपने कि मैंने इसका वायरिंग कैसे किया और कनेक्शन कैसे किया, इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।